अवनीश अवस्थी जी, जो कंप्यूटर बाबा कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस से सवाल पूछे, भूपेश बघेल से सवाल पूछे, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि इसमें राजनीति मत घुसेड़िए। ये कांग्रेस कौन होती है ये बताइए कि कांग्रेस क्या मतलब प्रस्ताव पास करेगी, अधिवेशन में जब आएगा तब मानेंगे क्या? मतलब सिर्फ ये मान रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति है, राहुल गांधी ने अगर वक्तव्य दे दिया तो वो कांग्रेस का वक्तव्य, बाकी ऐरा गैरा नथु गैरा ऊपर नीचे ये सारी कार्य समिति AICC PCC कोई भी कुछ भी कह दे वो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस क्या जब अधिवेशन में प्रस्ताव पास करेगी तब मानेंगे क्या कांग्रेस का? और खुद लोग यहाँ पे बैठे हुए लोग ऐसे हैं जो दिग्विजय सिंह के साथ होते थे, कभी कांग्रेसी के साथ होते थे, सब है, सबको मालूम है। यहाँ बैठ करके बड़ी साफ साफ अच्छी अच्छी बातें कर लेने से कुछ नहीं होने वाला। बात बड़ी साफ सी है प्राची जी, यहाँ पर एक बात है, मैंने आपसे एक बात कही पिछले एक हफ्ते से चल रहा अंधविश्वास, ये श्याम मानव से कहो कि जितने लोग, और मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी आस्था दरगाह में है वो दरगाह में जाते हैं, जिनकी आस्था चर्च में है वो चर्च में जाते हैं, जिनकी आस्था गुरुद्वारे में है गुरुद्वारे जाते हैं, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, सबकी आस्था का प्रश्न है, वो सब अंधविश्वास है। वहां जाकर के मांगते हैं, बहुत लोगों की मन्नत मनती है, कोई चढ़ाता है, कोई धागा बांधता है, कोई कुछ करता है। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ये सब अंधविश्वास है, तो ये सब इसके लिए कभी गए श्याम मानव क्या कि मंदिर में जाना बंद करो? ये अंधविश्वास है, ये पत्थर से क्या मांग लोगे, ये मजार से क्या मांग लोगे? बिल्कुल आपको नॉलेज नहीं है, मोमबत्ती जला के क्या मांग लोगे? श्याम मानव कभी गए क्या? जिन्होंने इस तरह कभी गए क्या श्याम मानव? ये सब अंधविश्वास की कोटि में सुन लीजिए दबोलकर पंजरे गौरी लंकेश वो राहुल गांधी उनको मारा गया था, इसलिए उन्होंने धर्म को क्वेश्चन किया था। अभी दो चार कांग्रेसियों का आया है, दो चार और कांग्रेसियों का भी वक्तव्य आएगा, औरों का भी वक्तव्य आएगा, देखना अभी आप देखना आएगा, बिल्कुल वक्तव्य आएगा। और विवेक श्रीवास्तवी आप किसी चीज को प्रूव कर पाए तब आप ध्यान भटकाते हैं, अब आप ध्यान भटका रहे हैं पॉलिटिकल इधर उधर करके। कैसे हुआ ध्यान भटकाना? कभी सुभाष चंद्र बोस, कभी ये सब ध्यान भटकाना है? आप अपनी विद्या को प्रूव कर सकते हैं तो बताइए, आप नहीं प्रूव कर सकते तो भी कोई बात नहीं। फौज को रक्तदान ना करना क्या प्रूव करता है? अब चीन आ गया बीच में, आप ध्यान भटकाएंगे? वो आपका इतिहास बता रहे हैं। अगर किसी चीज को वैज्ञानिक कसौटी पे कसा जा रहा है तो उसमें क्या बुराई है? देश के दुश्मन हो आप, मैं विरोधी कोई देश का दुश्मन नहीं है। जो व्यक्ति इस देश को प्रोग्रेस कराने के लिए देश प्रभु श्री राम का है, काल मार्क्स का नहीं है विवेक जी, कि आप काल मार्क्स का नियम लागू करेंगे इस देश में? योग सूत्रों को हम भी मान लेंगे। आप नीचे श्रीवास्तव जी एक सेकंड रुकिए, विवेक श्रीवास्तव जी आप कह रहे हैं कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, तो एक नया मुद्दा राजनीतिक चोले में उड़ाकर लेकर आया जा रहा है। आप मुझे समझाएंगे आपको ये कैसे लगा कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है? मुझे जहां तक ध्यान में है धीरेन्द्र शास्त्री ने चुनौती एक्सेप्ट की है। बता देता हूं आपको, नहीं वो सब हवाई किले वाली बातें हैं, मैं आपको साफ बता रहा हूं, ही इज अनेबल टू प्रूव इवन वन लाइन ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। ये सब पैसा कमाना चाहते हैं कुछ गॉडमैन, उसमें बहुत अच्छे अच्छे हमारे धर्म गुरु भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे हिंदू धर्म गुरु हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। पूछा था अगर अंधविश्वास से आपत्ति है आपको, आपको लग रहा है राजनीतिक एजेंडा नहीं है तो सबके लिए करिए ना विवेक जी। लेट मी कंप्लीट, मुझे कंप्लीट करने दीजिए जी, आप कंप्लीट तो करने दीजिए ना मुझे प्लीज। हाँ ये तो ये लड़ाई मंदिरों से नहीं है, धर्म गुरुओं से नहीं है, ये लड़ाई एक वैज्ञानिक लड़ाई है। दूसरा हमारा मानना है, ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि दलितों के उत्पीड़न की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। अरे अंग्रेज वाला हजारों साल से दलितों को, आप हिंदू धर्म के पूरे हिंदू एक है, दलित मुसलमान को तोड़ने का जो आज इनकी लड़ाई इस्लाम से नहीं है, चाल चल रहे हो आप अंग्रेज वाला से नहीं है, उस अंग्रेज की चाल लड़ाई दलित से है, नकाब हो गए हो, दलित हमारे कब्जे से बाहर कैसे गया, अगली पिछड़ी की जाति की बोलो लेकर के जहर बोल रहे हो उससे आप ही मरोगे, अपने धर्म को आप ही गालियों का सशक्त और खूबसूरत बनाओ कि कोई कन्वर्जन करे ही ना। मत बो, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, शुरू से जहर बोल के आए हो, पूजा करवाने का अधिकार नहीं है, दलित
दलित दलित साथ में खाना नहीं खा सकता। अरे सर, उस पर भी बहुत बहस होती है विवेक जी, आप शायद मुद्दे को नहीं समझ रहे हैं। यहाँ राजनीतिक एजेंडे को लेकर चर्चा हो रही है। इनको कन्वर्जन से प्रॉब्लम नहीं है, इनको दलितों से प्रॉब्लम है। अरे रुकिए विवेक जी, आप अपना नैरेटिव सेट करने पे लग गए। चर्चा कुछ और है, सवाल कुछ और है, और आप यहाँ पर लेकर आ गए जातिगत चर्चा। रुकिए विवेक जी, आप अपने भाई को सुनिए। आप देश को तोड़ने का काम, हिंदू के अंदर जहर घोलने का काम जो कर रहे हैं, वो वायरस से आप ही खत्म हो गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।